वर्ल्ड कप 2023 का 30वां मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच MCA स्टेडियम पुणे में खेला जा रहा है। वहीं इस मुकाबले में अफगानिस्तान की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। अफगान की गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम 49.3 ओवरों में 241 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वहीं मौजूदा सीजन में तीसरी बार श्रीलंका टीम ऑल आउट हुई है। 242 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज का विकेट गंवा दिया। गुरबाज खाता भी नहीं खोल सके। गुरबाज के बाद उतरे रहमत शाह ने इब्राहिम जादरान के साथ पारी को आगे बढ़ाई। दोनों ने 50 पार्टनरशिप की और 10 ओवर में टीम का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। वहीं अगर रहमत शाह की बल्लेबाजी की बात करें तो रहमत शाह शानदार बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें कसुन रजीथा ने दिमुथ करुणारत्ने के हाथों कैच आउट कराया। शाह ने कप्तान शाहिदी के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 बॉल पर 7 चौकों की मदद से 58 रनों की पार्टनरशिप की। वहीं अगर श्रीलंका की बल्लेबाजी की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका ने 60 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 46 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान कुशल मेंडिस ने 39, सदीरा समर विक्रमा ने 36 और महेश तीक्षणा ने 29 रनों की पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 4 विकेट फजल हक फारूकी ने चटकाए। मुजीबुर रहमान 2 विकेट लेने में सफल रहे। अजमतुल्ला उमरजाई और राशिद खान 1-1 विकेट ले सके। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।